और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। लखनऊ में कोर्ट परिसर में फायरिंग हुई है। संजीव जीवा नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी से। लखनऊ में कोर्ट परिसर में एक शख्स की हत्या कर दी गई। ब्रह्मदत्त मर्डर केस के आरोपी संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। फायरिंग में एक बच्ची को भी गोली लगी है। वकील की ड्रेस में आए थे हमलावर। पंकज झा हमारे रोविंग एडिटर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पंकज बताइए क्या जानकारी है इस बारे में। ये लखनऊ के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहीं पर ये घटना हुई है। और आपको बताऊं कि संजीव माहेश्वरी उर्फ संजीव जीवा जो कि मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और वेस्ट यूपी का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, ये यूपी के डिप्टी सीएम जो थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी उनकी हत्या में भी इसका नाम आया था। 2005 में बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में भी इसका नाम आया था। बाद में उस मामले में बरी हो गया था। और आपको बताऊं कि ये बहुत बड़ा डॉन है पश्चिमी यूपी का और कई मामलों में इस पर करीब 22 मुकदमे अभी भी चल रहे थे। और अभी जो शुरुआती जानकारी आई है वहां की एडीजी पीयूष मोडिया के हवाले से कि इसको गोली लगी है, वकील के भेष में कुछ लोग आए थे, उसने इस पर गोलियां चलाई, अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया है। ये मुख्तार अंसारी का लेफ्ट हैंड माना जाता है, राइट हैंड मुन्ना बजरंगी हुआ करता था। ये शुरुआत में मुजफ्फरनगर में ही क्राइम किया करता था, जिस दवा खाने में ये नौकरी करता था उसी के मालिक का उसने अपहरण कर लिया था। तो यहाँ से उसने अपराध की शुरुआत की थी संजीव जीवा, जो लोग जानते हैं पश्चिमी यूपी का एक बहुत बड़ा ये कह सकते हैं अपराधी था, मुख्तार अंसारी के करीबी था जिसको आज गोली मारी गई है। और लेकिन 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 पंकज कहा यह जा रहा है कि वकीलों के भेष में आए थे वो जो आरोपी जिन्होंने संजीव जीवा को गोली मारी और कोर्ट परिसर में यह गोली मारी गई है। एक बार फिर यूपी में इस तरह के जो आरोपी जो पुलिस सुरक्षा में ले जाए जा रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर तो बड़ा सवाल खड़ा हो गया। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से ये घटना हुई है कोर्ट कैंपस के अंदर हुई, जिसको सुरक्षित माना जाता है। और आपको बताऊं कि एक बार एक साथ वाराणसी, लखनऊ और अयोध्या में कचहरी में बम विस्फोट हुआ था, उसके बाद से ये सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, उसको सुरक्षित जगह माना जाता है। वहाँ इस तरीके से कोई वकील के वेश में आ जाए और उस पर गोली चला के मार दे, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। पंकज इसके बारे में पुलिस क्या कह रही है? देखिए अभी पुलिस टीम जो है मौके पर पहुंची है, एडीजी पीयूष मोडिया भी पहुंचे हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं। उसमें जो सीसीटीवी फुटेज वहां पे लगे हुए थे, मेटल डिटेक्टर लगे हुए थे। मैं रोकूंगा आपको, पीसीआर जरा ये तस्वीर फुल कीजिए। देखिए ये शख्स जो आपको पीली टी शर्ट में दिखाई दे रहा है राइट साइड नीचे की विंडो में, यही है वो संजीव जीवा, कुख्यात गैंगस्टर। 90 के दशक में इसके नाम का बोलबाला शुरू हुआ। जिस दवा खाने में काम करता था उसी के संचालक को इसने किडनैप कर लिया और उसके बाद मुख्तार अंसारी से इसकी करीबी हुई। वेस्ट यूपी के अपराध की दुनिया में बहुत बड़ा नाम संजीव जीवा, जो यूपी में बीजेपी के एक बड़े नेता ब्रह्मदत्त की मर्डर मामले में भी जिसके ऊपर बहुत बड़े आरोप हैं, वो संजीव जीवा ब्रह्मदत्त मर्डर केस का आरोपी, उसको आज कोर्ट में पेशी के दौरान ले जाते वक्त कुछ लोगों ने गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। मुख्तार का अंसारी का करीबी बताया जाता है रहा है संजीव जीवा। वकील के कपड़ों में आए हमलावर और उन्होंने संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि एक बच्ची को भी इस पूरे मामले में गोली लगी है। पंकज ये कब का मामला है और आज संजीव जीवा को कोर्ट लाया क्यों गया था बताइए जरा। ये एक मामला था, उसकी पूरी जानकारी अभी पुलिस से नहीं मिल पाई है। लेकिन देखिए मुख्तार अंसारी के दो बड़े करीबी, जब मैं कह रहा हूँ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मुन्ना बजरंगी की किस तरीके से बागपत जेल के अंदर ही हत्या हो गई थी, और आज लखनऊ कोर्ट में जब इसको लाया गया था एक मामले में पेशी पर, उसी दौरान उस पर हमला हुआ है संजीव माहेश्वरी और जीवा और उसकी हत्या कर दी गई है। बिल्कुल, तो देखिए संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वकील के कपड़ों में आए हमलावर और संजीव जीवा की कुंडली यहां पर आपको पंकज झा बता ही रहे हैं। वेस्ट यूपी का एक कुख्यात अपराधी जो कभी कंपाउंडर हुआ करता था, अपने ही मालिक को जिसने किडनैप कर लिया और बड़े रसूखदार लोगों की हत्या के आरोप जिसके ऊपर लगे, उस संजीव जीवा को आज एक मामले में लखनऊ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया था। वहां उसे पुलिस लेकर आई थी।